साहब ने फंसा लिया भाई, 3-0 का स्कोर था जो कि अब 2-3 का हो गया है। दो पेच काट दिए राघव ने, इस पेच के बाद आलाल का अगर हुआ तो फिर मामला जो है राघव की तरफ ज्यादा चला जाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि आलमबाग जीतेगा। जी, हम आ गए आज फिर से पीएमटी ग्राउंड जहाँ पे आज होगा सेमीफाइनल के मैच, और हम आए विकास दद्दा बैठे हैं, खड़े हैं विकास दद्दा भाई, और ठीक है। जी जी बढ़िया है। तो क्या चल रहा है विकास भाई यहाँ पे? आज सेमीफाइनल फाइनल हो रहा है। अच्छा अच्छा, तो क्या लगता है आलमबाग और वो है यूनिटी? आलमबाग अभी तो आलमबाग ने एक पेच काटा है, आलमबाग के सपोर्टर है, तो देखिए ले सकते हैं ना सिमी भाई से। तो फ्रेंड देखिए, और आलमबाग का सपोर्ट है और एक पेच काट भी चुकी है आलमबाग, तो फ्रेंड देखते हैं आगे का मैच, और सभी हमारे ये देखिए खड़े हुए हैं खिलाड़ी। और फैजल भाई सलाम, और खैरियत से हैं? तो क्या होगा ये पेच लड़ने जा रहा है भाई? थोड़ा सा हवाओं का मसला है। हाँ। तो गेम तो अच्छा ही लड़ रहा था, लेकिन थोड़ा हवाओं का मसला है, इसलिए थोड़ा सा कल एक पेच हुआ था। जी जी, आज तीनों पेच हो जाएंगे इनके इंशाल्लाह। उम्मीद तो भाई हम लोग की पूरी कोशिश कराने की कि आज के सारे पेच कंप्लीट करा जाए। इनमें से जो जीतेगा वो सेमीफाइनल लड़ाई, इसमें जो जीतेगा आलमबाग और इसमें यूनिटी में वो सेमीफाइनल लड़ाएगा। ऑडियंस आ चुकी है अपने टेंट से, ऑडियंस पूरी है। ये देखिए सुमित भाई, और ये देखिए सभी लोग हमारे ऑडियंस से खड़ी, और राका भाई क्रीज के अंदर। ये देखिए राका भाई क्रीज के अंदर आ चुके हैं, और राका भाई का पहला पेच लड़ने जा रहा है, क्रीज के अंदर है। हवा की दिक्कत थी थोड़ी, और देखते हैं राका भाई ऊपर से पेच अपना लड़ाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, राका ऊपर से, नीचे से समीर आलमबाग की तरफ है। सेमीफाइनल के लिए मैच है फ्रेंड ये, जो जीतेगा इसमें वो सेमीफाइनल लड़ाएगा, और हवा थोड़ी सी अभी कम है फ्रेंड। देखिए राका भाई ने रखा एक मुंडा, समीर भाई ने एक अंदर की तरफ रखा, बेस सही है, गोर पे रखे हैं राका, दोनों ही खिलाड़ी बहुत मजबूत हैं। ये देखिए भाई, देखिए राका लेके चले, समीर आसमानी रखे हैं, अभी कोई वार नहीं कर रहा है। ये देखिए फ्रेंड, कोई वार नहीं हो रहा है, अभी बढ़िया मौसम है। ये देखिए फ्रेंड, देखिए समीर ने एक मुंडा नीचे किया, राका ले, देखिए राका ने अंदर की तक उतारा है, समीर ने पट किया, देखिए पतंगे कम हो के आगे, फिर पेच कैंसिल। देखिए हमारी पूरी इवेंट की टीम इस वक्त खड़ी है यहाँ पे, और बढ़िया इनका मैच है। तो अभी आपका पेच लड़ा मोहम्मद भाई कोई? अभी कोई पेच नहीं लड़ा है। और देखिए हमारी पूरी एवन की टीम खड़ी है, ये देखिए, और हवा भी थोड़ी सी दिक्कत है, हवा कम है, तो हवा आ जाए तो सबके पेच लड़ जाएंगे आज फ्रेंड। देखिए सेमीफाइनल सब लड़ जाएंगे। ये देखिए, और काफी ऑडियंस आ चुकी है फ्रेंड, देखिए मैदान के अंदर, ऑडियंस देखिए यहाँ पे काफी ऑडियंस आ चुकी है देखिए, और यहाँ पे पीएमपी ग्राउंड राजा जी पुरम में। और इस बार मैंने बहुत ही बढ़िया कल पेच काटा था अंधेरे में, है ना, लास्ट पेच आलाल पे काट दिया था, बहुत ही शानदार। तो सेमीफाइनल में जगह बनाए हुए बैठे हुए, और देखते हैं आगे का मैच, ये देखिए क्या होता है। देखिए हमारे मोहम्मद भाई हैं जो कि टूर्नामेंट में लड़ा रहे हैं, और सेमीफाइनल में आ चुके हैं, इरफान भाई भी सेमीफाइनल में आ चुके हैं, और ये हमारे मोहम्मद भाई की देखिए पतंग देख लीजिए आप, कितनी शानदार है फ्रेंड। इसी पतंग से सितारे पे काटे हम लोगों ने, इसी पतंग से जी, देखिए यही पतंग लड़ा भी ने अपने हाथ की, और फ्रेंड बहुत शानदार फरमा है, और सुराही दाग खड्डा लगा हुआ। अच्छा अच्छा, ये तुम कौन सी लड़ा रहे हो? अच्छा अच्छा, देखिए ये देखिए फ्रेंड गोल फरमा, बहुत ही शानदार ये भी। और अगर किसी को पतंग चाहिए हो तो हमारे मोहम्मद भाई से कांटेक्ट कर ले, वही चांतार वाला, हाँ बहुत, हाँ थोड़ा सा ये चौकोर टाइप का बना है, बहुत बढ़िया फरमा। ये देखिए फ्रेंड, और तो मोहम्मद भाई अपना नंबर बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को, आपको अगर किसी को, 8756714983। देखिए फ्रेंड ये नंबर है हमारे मोहम्मद भाई का, बहुत प्यारी पतंग बना रहे हैं,
तो फ्रेंड एक बार जरूर कॉल कीजिएगा, और अगर आपको किस्मत से मिल जाएगी पतंग तो मिल जाएगी, क्यों ये वैसे अयान की ले ले, अयान तो छोटा भाई है मेरा। अयान भी बढ़िया बना रहे पतंग। अयान की कोई पतंग है क्या? अयान की पतंग बैग में है ये, इसमें दे वाली पतंग जुड़ डाल। ये देखिए फ्रेंड अयान की पतंग है, इनके छोटे भाई। ये अयान का स्टीकर है और पतंग भी अयान की है। फ्रेंड देखिए तस्वीर बना दी पतंग, बहुत शानदार जनता पेपर पे। और ये देखिए अयान का भी नंबर है फ्रेंड, ये भी अद्धी बनाई है उन्होंने, यहाँ पे अद्धी टूर्नामेंट चल रहा है। ये भी पतंग उन्होंने की है अयान की। ये देखिए अयान का गोल फर्म है। ये देखिए फ्रेंड अयान का गोल फर्म पतंग है, फर्म है, लेकिन ये पतंग उन्होंने चलाई है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पतंग है। देखिए ये भी पतंग, ये खींचने वाली पतंग बहुत बढ़िया अयान की। देखिए अयान भाई आ गए। ये अयान भाई आपके हाथ की पतंग है, बहुत शानदार पतंग है। देखिए इतनी छोटी उम्र में अयान भाई बहुत ही अच्छी काइट मेकिंग करने लगे हैं, और पतंग भी अच्छी लड़ाते हैं। मोहम्मद भाई भी इनके छोटे भाई, मोहम्मद भाई के छोटे भाई हैं अयान भाई, और बहुत बढ़िया पतंग बना रहे हैं आप। तो नंबर हमने अपने दिखा दिया सब्सक्राइबर को, अगर हो सके पतंगे ज़्यादा बन जाए तो दे दीजिएगा कि कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर करेगा आपको। आलमबाग यूनिटी का पेच हो गया कैंसिल, अभी उनकी पतंगें उतर गई हैं। और फ्रेंड जो पेच में आ गए हैं हमारे जावेद भाई, खरीद उमर भाई से। जी जी, तो कैसा चल रहा है आज? आज बढ़िया चल रहा है, बस हवा की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हवा आ जाए तो जल्दी पेज लड़ जाए, फटाफट लड़ जाएगा, टीमें सारी रेडी खड़ी हुई हैं। हाँ हाँ, तो आज लमसम आप सेमीफाइनल कोशिश करके करवा देंगे जी जी, कल फाइनल देखेंगे, अगर आज ही हो जाएगा तो फाइनल भी। हवा आ गई तो उसके ऊपर जी जी। और फ्रेंड देखिए जावेद भाई क्रीज में आ गए अपने पेज के लिए, 2-2 का स्कोर है बराबर, और नीचे की क्रीज देखिए लगी हुई है, ये देखिए क्रीज में आ चुके हैं। चलिए इधर भी हमारे बॉबी भाई के हाथ में पतंग है, पतंग खींच के देख रहे हैं, उधर अफजाल भी पतंग खींच के देख रहे हैं। फ्रेंड ठीक है? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? अभिजीत। अभिजीत देखते हैं मेरा चैनल, कैसा लगता है? बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया, थैंक यू। देखिए अभिजीत भाई हमारे सब्सक्राइबर हैं और अच्छा लगता है इनको भी चैनल। और देखिए अफजाल भाई पतंग तैयार, तो अफजाल भाई अभी पेच नहीं लड़ा आपका भाई, अभी निकलेंगे इन दोनों में से। हाँ हाँ, अभी आलमबाग यूनिटी में से जो कोई निकलेगा जी जी हमारा पेच लड़ेगा। अच्छा अच्छा, हाँ तो अभी उनका पेच ही नहीं हो पाया, एक पेच हुआ है और अभी दो और बाकी पेच बाकी है। और देखिए हमारे बॉबी भाई ने तैयार रेडी कर लिया है, बॉबी भाई जी जी सही है, रेडी अपना कर लिया। हाँ, आएगी जी, हम लोग तेज लड़ा देते हैं। नहीं नहीं सही है, आपने कल भी पेच बढ़िया तेज लड़ाया सब, और वैसे ही लड़ाना ही चाहिए। कटकट लगी रहती है, कटकट अपनी जगह होती है, लेकिन पतंग तेज होनी चाहिए, जैसे एसोसिएशन को भी दिक्कत ना हो टूर्नामेंट कराने में। हाँ, बॉबी भाई ने भी बहुत बढ़िया कल काइट फाइटिंग किया, अफजाल भाई ने भी की है, लेकिन पेज भी सब तेज लड़ा दिए फौरन ही, कटकट वाले बढ़िया, और बढ़िया मैच निकाल लिया। सीर भाई और साकिब भाई नजीराबाद से लड़ा रहे हैं, जो दबंग से इनका लड़ रहा है। 2-2 का स्कोर है ना आपका? 2-2 का स्कोर है। देखिए मिलते हैं अयाज भाई से, तो अयाज भाई क्या है आज का माहौल जो पेस नहीं लड़ पा रहे? आज का माहौल ये है भाई कि आज हवा नहीं आ रही है, प्लेयर पतंग लड़ाना चाहे भी नहीं रहे हैं। वो सोचे हमें हवा मिल जाए तो हम अच्छी पतंग लड़ा ले, बाहर के गेम लड़ा ले। हवा में थोड़ा खतरा रहता है पेस का कटने का, जल्दी हर आदमी सोचता है हवा में लड़ा ले। अच्छा अच्छा जी जी, ये हमारे जावेद भाई कुछ बताएंगे जी, जावेद भाई बताइए। हम कुछ नहीं भाई, हवा ही नहीं है भाई, क्या करें। हाँ सब ऑडियंस बैठी है, देखने वाले भी बैठे हैं भाई। पेज हमने सोचा था कि फाइनल हो जाएगा, लेकिन हमें लगता है फाइनल नहीं होगा जी जी, कल ही आए नहीं, अब ये फाइनल कल होगा या तो इसी टॉस करा जाएगा इसका। हाँ जाहिर सी बात है भाई, क्योंकि हवा आनी रही है और आगे भी टूर्नामेंट है, बड़े टूर्नामेंट है, करके आ रहे हैं टाइम निकाल के अपना। तो देखिए अगर हवा आ जाएगा तो हो जाएगा, बैठे हुए हैं। हाँ दर्शक तो काफी है फ्रेंड, ये देखिए काफी दर्शक मैदान में है, ये देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि पेज देखने के लिए बैठे हैं, टूर्नामेंट देखने के लिए बैठे हैं। हाँ हाँ भाई हमारे ये पीएमटी के बहुत अहम आदमी हैं, सारी चीजें इनको पता होगी, अच्छा पतंग कौन से क्लब में कौन नंबर लड़ा रहा सब कुछ इनको पता होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं तो बहुत अच्छी बात है, सारी खबर रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है। आलमबाग क्लब की तरफ हमारे सोटी भाई, तो सोटी भाई एक काटा है अभी आलमबाग ने, तो हवा नहीं हमें लग रहा है इसी की वजह से मैच रुके हैं। जी जी हवा नहीं है और इसी चक्कर में दिक्कत है, वरना ये आज सिमट जाता, सेमीफाइनल और फाइनल सब हो जाता जी। फ्रेंड हवा आ जाए तो जल्दी जल्दी पेस लड़ जाएं, सभी हमारे खिलाड़ी बैठे मेहनत कर रहे हैं भाई हमारे। जी जी शुक्रिया, शुक्रिया। उसमें जो है आपका वीडियो देखा हमने, तो भैया इनके पेज वही यूट्यूब पे देख लिया था आपके, उसमें जी शुक्रिया। और क्या हमारे कुणाल भाई ऑफिस में जी जी, जाहिर सी बात है कि जो है वो
परसों आ रहे जी 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 20 तारीख को इंशाल्लाह रे जरूर आएंगे, परसों भी आएंगे। गेस्ट वेस्ट आ रहे हैं, कौन आ रहा है? नीचे क्रीज ये है और रेडी है पेच के लिए। ये हो गया सही बैंड, ये देखिए पेच सही और दो दो बराबर है, तीसरा पेच लड़ रहा है, देखते हैं। ये देखिए दबंग और नजीराबाद, देखिए पट किया है दबंग ने, पट किया देखिए, देखिए लेके चले लेके चले लेके चले, एंड कोई काट कट नहीं हो गया, बहुत मुश्किल है जो काट कट हो जाता है। ये देखिए लेकिन ये देखिए कैसे हवा आई है, तो हमारी नजीराबाद की टीम क्रीज में आ गई है ऊपर के। ये देखिए पेच, ये देखिए लड़ता हुआ क्रीज में है, पेच हो गया सही, पेच देखिए सही और देखिए दो दो बराबर, पेच लड़ता हुआ नजीराबाद और दबंग का ये पेच लड़ता हुआ, चढ़ा के दिया है उसने गद्दा रखा और देखिए गद्दा रखा उसने और बढ़िया पेच, शानदार पेच काट दिया, देखिए दबंग ने पेच काट दिया। रोहित भाई रेडी है अपने पेच के लिए, देखिए तीन और दो का स्कोर है। अवैध भाई काटेंगे तो तीन तीन बराबर हो जाएंगे, कटेंगे तो ये राउंड से बाहर हो जाएंगे। पब्लिक काफ़ी सम है टूर्नामेंट देखने के लिए, पब्लिक काफ़ी आई हुई है, लेकिन फ्रेंड हवा की वजह से ये गेम थोड़ा सा रुका रहा, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। और अब देखिए पेच लड़ने जा रहा है और हमारे नजीराबाद के खिलाड़ी पेच में आ गए हैं। साकिब भाई पेज में आ गए, नीचे की क्रीज है साकिब भाई की और फ्रेंड और देखिए ऑडियंस भी हमारी खड़ी हुई है, साकिब भाई पेज में आ गए, काटा है अभी साकिब भाई ने ऊपर से बढ़िया गद्दा मार के, अब देखिए दूसरा पेज चलाने जा रहा है, ये पेज रेडी है फ्रेंड, नीचे से साकिब ऊपर से जावे, देखिए पेज लौटता हुआ, दो तीन का स्कोर में नजीराबाद नीचे से और दबंग ऊपर से, एक पेच अभी जा रहा है, साकिब ने काटा था ऊपर से दबंग को और नीचे से जगह ली है, नीचे से क्रीज लगाई साकिब ने, देखिए पेच चलता हुआ, देखिए फ्रेंड देखिए गद्दा रखा था दबंग, साकिब ने पट किया हल्का था लेके चले, पट किया फिर ये सही है, देखिए देखिए पतंग को चलाया ऊपर की और नंदा की तरफ एक मीटर मोड़ा उन्होंने, पेस सही फिर से पेस सही सर, एक पेच काटना सेमीफाइनल के लिए नजीराबाद को, सेमीफाइनल में आने के लिए दो पेच काटना है दबंग को, पेच लगता हुआ देखे उसने और बढ़िया पेच, शानदार पेच काट दिया, ये देखिए गेम को बराबर कर लिया है फ्रेंड दबंग ने, बढ़िया पेच लड़ाया दो दो बराबर तीन तीन बराबर। समीर भाई पेच लड़ाएंगे और क्रीज में आ गए, देखिए सोनू भाई भी हैं और समीर भाई भी, और समीर भाई पेच लड़ाएंगे नीचे का और ऊपर से है राका यूनिटी क्लब के और जिसमें समीर भाई हमारे आलमबाग क्लब के और फ्रेंड देखिए सेमीफाइनल के लिए, फाइनल के लिए पेच लड़ता हुआ, जो इसमें काटेगा वो सेमीफाइनल लड़ाएगा यूनिटी या राका। हमारे फैसल भाई पेच को सही करेंगे, ऊपर से राका, ये देखिए ऊपर से राका लाता है, ये देखिए
ये चिल्लाता हुआ है, नीचे समीर, ऊपर से राघव। देखिए पेच को खींचा और बढ़िया पेच समीर ने काट दिया, शानदार पेच। बड़े आलमबाग ने दो पेच पूरे कर, बढ़िया पेच काटा। देखिए दो पेच अपने पूरे कर लिए, ये देखिए अभी तक पेच नहीं काट रहे थे लेकिन जगह पे पेच काटा है समीर भाई ने, और अभी तक के नहीं काटा लेकिन जगह पे पेच काट दिए जहाँ पे इनको काटना चाहिए था। बहुत बढ़िया पेच काटा हमारे समीर भाई ने, दो पेच पूरे कर लिए हैं आलमबाग ने। बढ़िया पेज लड़ा है और जल्दी पेज लड़ गया ये समीर भाई ने, बहुत बढ़िया पेज काट भी दिया। तो समीर भाई यही पतंग लड़ेगी आपकी? जी जी यही पतंग लगी। ठीक है, नीचे ही से लड़ाएंगे? जी नीचे। देखिए नीचे से तीसरा पेज लड़ाएंगे। नजीराबाद अपनी पतंग छोड़ती फ्रेंड, देखिए नजीराबाद आल आल का पेज है, बिल्कुल लड़ेगा पतंग बढ़ा के फ्रेंड। देखिए तैयारी है पतंग की, तीसरा पेज है, देखते हैं। हाँ आप बताइए, आपको मजा आ रहा है भाई? हमको मजा क्या आ रहा है, रो रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही की कल ये गेम को पूरा ही करा के फाइनली करा देगा, बस ये है कि ऊपर वाला साथ दे दे थोड़ा, चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से हवा देखिए भाई। देखिए कार्तिक भाई का पेच लड़ने जा रहा है, ये देखिए कार्तिक भाई आगे क्रीज में, ये देखिए कार्तिक आ गए क्रीज के अंदर। समीर भाई भी अपनी क्रीज में आ गए नीचे के लिए। भाई पतंग बाहर, ऑडियंस बहुत है देखिए फ्रेंड देखने के लिए, लेकिन हवा नहीं है, ये मजबूरी है फ्रेंड, हवा नहीं है इसलिए थोड़े कम पेच हो रहे आज, और फ्रेंड कोशिश है देखिए पेच लड़वाने की जल्दी। देखिए पेच होने जा रहा रेडी, अभी पेच सही नहीं हुआ, अभी सही की विजिल होगी पहले, देखिए देखते हैं फ्रेंड। नीचे से ऊपर से कार्तिक, नीचे से समीर, आलमबाग के समीर पेज लड़ता हुआ, सही की विजिल होगी अभी, पहले ऊपर है दोनों खिलाड़ी, पेज सही हो गया, देखिए विजिल हो चुकी है। कार्तिक अंदर की तरफ अपनी पतंग लेके चल, देखिए आलमबाग के सटी ने मुड्डा चढ़ा के दिया, ये देखिए बैठ अंदर की तरफ, समीर अंदर की तरफ चलते हुए ने पतंग को चलाया, अंदर की तरफ मुड्ढा फेरा है और पतंग को चलाया, फिर बाहर की तरफ चले हैं समीर अंदर की तरफ लगातार, और देखिए बाहर की तरफ दिखाया, कार्तिक ने गड्ढा बनाया है और बढ़िया पेज, ये देखिए समीर ने बढ़िया पेज काट दिया, 3-0 का स्कोर कर लिया है समीर ने। समीर भाई ने इस पतंग से दो पेज काट दिए हैं, तो सोनू भाई बहुत बढ़िया पेज समीर भाई ने फिर लड़ा दिया, बढ़िया बाहर खींच दिया उन्होंने, और इंशाल्लाह एक और पेज काटे हाँ तो आगे बढ़िया गेम सेमीफाइनल में आप पहुंच जाएंगे। जी जी जी, जी देखिए तो इंशाल्लाह, देखिए एक पेज काटना है समीर भाई को और सेमीफाइनल में आने के लिए। ये देखिए उधर से राका भाई का पेज है, हमारे टिम्मी भाई, और टिम्मी भाई ठीक हैं आप? बस सब बढ़िया, अपनी सुनाइए आप। देखिए ये हम है और ये हमारे टिम्मी भाई, वीडियो बन रही है, ये मेरे भाई की वीडियो बन रही है। अच्छा कैसे पेज लड़ा रहे हैं समीर भाई हमारे? समीर भाई हमारे जो है जमीनों का बादशाह है, अभी जैसे दूसरा पेज इन्होंने जमीनों में ले जा काटा था, उसके बिहार पे काफी आसमान में इन्होंने इसको वाला पेज लड़ाया है जी। हाँ मक्खन मलाई मिल गया, इन्होंने आसमान में खींच दिया, जरा सा भारी होता तो जमीनों में ले जाता, लेकिन पतंग बढ़िया लड़ा रहे हैं जी, बहुत अच्छी पतंग लड़ाते हैं, घर खिलाड़ी तो बढ़िया है ही है जी, हाँ। इसके तो बहुत नायाब खिलाड़ी हैं जी, तो कुछ दो राय है नहीं, तीसरी राय भी नहीं है, ना ही चौथी राय है, पहली राय है कि खिलाड़ी बहुत बढ़िया है जी जी। अब उधर से राका का पेच है, अब उधर से राका का पेच है और हवा भी आ चुकी है और पतंग भी राका की उड़ के जा चुकी है जी, उम्मीद है कि जल्दी ही मैच खत्म हो जाएगा जी जी, हम लड़वा देंगे जी हाँ, देखिए उम्मीद है क्योंकि अगली टीम तैयार बैठी है जी, इसमें जो निकल ली वो अगले स्पेट जाएगी। ठीक है बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही काम कर चुकी है, हवा है बढ़िया जाएगा, शाम हो गई है, सील वाली हवा आ गई है, सील वाली लाल भाई वाली सील वाली हवा, वाली हवा। ये मेरे भाई की वीडियो बन रही है और ये हम हैं, ये पीएमटी का अधिक टूर्नामेंट हो रहा है, ये बहुत बढ़िया। और नजीराबाद की पतंग बढ़ के चली गई और ये आलाल का पेच होने जा रहा है, नजीराबाद की पतंग पहुंच गई है लमसम, रील बनने लड़ने जा रहा समीर भाई का, थोड़ी सी आगे क्रीज कर रहे हैं और एक पेच काटना है इनको सेमीफाइनल में आने के लिए। राका भाई हैं ऊपर से, ये देखिए राका भाई आ गए क्रीज में, देखिए कितनी जल्दी पतंग दे दी राका भाई ने, और राका भाई ऊपर की क्रीज में, हम लड़ाएंगे हमें पकड़े
दाता भाई ऊपर क्रीज में आ गए हैं, और इससे पहले के बहुत ही अच्छे राउंड निकाले हैं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को काट के आगे बढ़े थे, और अभी भी 3-0 का स्कोर है, और राका भाई का भी पेज बाकी है फिर, और राका भाई अपना पेज लड़ाने जा रहे हैं ऊपर। पेज लड़ता हुआ पेज सही सही देखिए, ऊपर से राका नीचे से समीर, ये देखिए मैं देखिए राका लेके चले गड्ढा, गड्ढा लेके चले फिर वापसी की वहां से, और समीर ने पट किया, ये देखिए बहुत ही फास्ट पेस लड़ रहे हैं। देखिए समीर, समीर ने वहीं से ले लिया और बढ़िया पेस, देखिए राका ने बहुत शानदार पेस काट दिया, ये देखिए राका भाई ने एक पेस पूरा कर लिया, 3-1 का स्कोर कर दिया। देखिए राका भाई ने बहुत ही फास्ट पेस लड़ा दिया है और 3-1 का स्कोर कर लिया है, और पेज भी बहुत अच्छा लड़ा है, जल्दी लड़ा है, कोई परेशान नहीं किया, पतंग भी तेज दी राका भाई ने, और राका भाई यही पतंग लड़ाएंगे, देखिए यही पतंग लड़ेगी राका भाई के, आगे बढ़ते हुए अपने पेज के लिए, आल आल का पेज है नजीराबाद से दबंग का। देखिए ग्रीज ले एक पेज अभी ऊपर से काटा था जावेद भाई ने, और अब नीचे का पेज लेने के लिए आ गए, ग्रीज सही हो रही है, नजीराबाद के खिलाड़ी अपनी पतंग सही करते हुए, ये देखिए तैयारी लेते हुए, ये देखिए आल आल का पेज है, हमारे ओल्ड एवन भी अपनी पतंग तैयार करती हुई रेडी हैं, इसके बाद उनका पेज लड़ेगा सेमीफाइनल के लिए, इसमें से जो टीम जीतेगी जो पेज काटेगी वो सेमीफाइनल लड़ाएगी। मैं देखिए पेज लौटा हुआ, सही पेस सही, बस नजीराबाद नीचे से दबंग, लेकिन लेके चले उसने गड्ढा मारा और बढ़िया पेच, ये देखिए नजीराबाद ने बढ़िया पेच काट दिया और सेमीफाइनल में जगह बनाई, खुशी का इजहार करते हुए, ये देखिए फ्रेंड गले लगाया जा रहा है उनको, राकेश भाई को बढ़िया पेच काटा है, ये देखिए बहुत बढ़िया पेज, बहुत अच्छा पेज, देखिए सेमीफाइनल या मेरी ये सारे राउंड उन्होंने जो है ऑल ओवर पे काटे हैं, कम से कम 4 मैच स्पीड को काटा, बाबू स्काई वालों को काटा, अच्छा मतलब एक कटना था 3 काटने थे, ऐसे उन्होंने राउंड काटा, बहुत बढ़िया, वो पेज भी बहुत तेज लड़ा के उन्होंने काट दिया, गड्ढा मार दिया, बहुत ही बढ़िया शानदार, और सेमी फाइनल दो उनके ओल्ड इलेवन जीत गई, इनका टॉस नजीराबाद वालों का टॉस ओल्ड इलेवन से हुआ था, ओल्ड इलेवन टॉस जीत गई, ऑफेंड की ओल्ड इलेवन टॉस जीत चुकी है, जिसमें मोहम्मद भाई अपने पतंगों की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए पतंग देखिए निकाल रहे हैं मोहम्मद भाई और रेडी हैं बिल्कुल पिछलाने के लिए, और ये लड़ेगा सही फाल, और बॉबी भाई ने पतंग इनकी तैयार कर, ये देखिए अरे फराज भाई सलाम अलैकुम, और खैरियत से हैं, तो मैच रेडी होने वाला इनका, जीत गए वो लोग हैदराबाद, ओल्ड इलेवन से लड़ेगा मैं बालू भाई से, ये शौक एक नंबर है करते हैं भाई, अच्छा अच्छा टूर का शौक एक नंबर का, इनकी नसीब इतना खराब है डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पा रहे, इन्होंने ऑल ओवर पे पेज काटा और क्लीन आउट हो गए, अच्छा पेज भी काट दिया था, पेज काट के निकल नहीं पाता, भी रोज आ रहे हैं, लाल भाई ये क्रीज आउट क्रीज आउट होगा, तो अब पेज पे लड़वा दीजिए, नहीं टीम अब दूसरी है, इसमें थोड़ा मनोबल बढ़ा है, चलिए ठीक ठीक हाँ थोड़ा हुआ खुश हो जाएंगे, ठीक है नहीं सही है, खुशी हो जाएगी अगर जीतेगी टीम हमारे ओल्ड इलेवन, तो दूसरी टीम हमारी सेमीफाइनल में आ गई नहीं, थोड़ा सा इनका मनोबल बना हुआ है, नहीं तो टूट गए थे, अरे कोई बात नहीं जीत जाएगी टीम आप इंशाल्लाह, और देखिए बॉबी भाई ने पतंग अपनी तैयार कर ली, पतंग देखिए रेडी है, देखिए पतंग छोड़ने जा रहे बॉबी भाई ओल्ड इलेवन की तरफ से, तो राका भाई नीचे से लड़ाएंगे पेज, देखिए राका भाई अपना पेज पड़ेगा ना उनसे का नीचे का पेज लड़ाएंगे, और राका भाई की टीम जाती है भी नीचे के पेज के लिए,
भाई मैं कन्ने बांधे तो राहुल भाई आप तैयारी तैयार कर रहे हैं पतंग मोहम्मद की पतंग जी जी A1 की तरफ से पतंग तैयार कर रहे हैं जी जी भाइयों की तरह मोहब्बत में नहीं नहीं सही बात बहुत अच्छी बात है और बताइए ज्यादा खैरियत से जी सब बढ़िया अल्लाह का शुक्र है मेहनत कर रहे हैं आप ऐसे ही आगे से आपका चैनल बेहतर चलता रहे जी जी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जी हाँ जी जी बस यही चाहते हैं कि हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाए बिल्कुल उम्मीद रखिए कि आप लोग मोहब्बत करते हैं जी करते हैं तो बिल्कुल बढ़ेगा आप मेहनत करते हैं रंग लाती है जी जी ठीक है राहुल भाई हमारे और पहले के पब्लिक गाड़ियां भी काफी आ गई हैं पब्लिक की है देखिए पब्लिक खड़ी हुई है हमारे सोनू भाई ऊपर से क्रीज लगी है राका इसके अंदर है भाई आ गए नीचे क्रीज में अभी बढ़िया शानदार एक पेट काटा था रेडी है ये सही नीचे से राका ऊपर से सोनू ये देखिए दोनों बढ़िया खिलाड़ी लौटता हुआ बैंड ये देखिए नीचे से राका ऊपर से सोनू देखिए बैंड पे जगह बनाते हुए छोटा पेज लड़ा पे हवा भी आई है दोनों खिलाड़ी बहुत सूझबूझ से लड़ाते हुए सोनू भी गद्दा नहीं रख रहे हैं राका भी पतंग चला रहे हैं अपनी अंदर की तरफ आए राका लगातार अंदर की तरफ और सोनू पतंग अपनी चलाते हुए देखिए राका ने थोड़ा सा तिरछा करा दिया पेज देखिए सोनू लगातार बाहर की तरफ रख रहे हैं अंदर की तरफ उठा रखा देखिए सीधे उतरे हैं देखिए सीधे उतरे फिर वापसी पेज सही है लाकर लगातार अंदर देखिए सेमीफाइनल के लिए देखिए राका ने बढ़िया पेच काट दिया देखिए राका ने शानदार पेच काट दिया 2-3 का स्कोर देखिए बहुत बढ़िया राका ने बहुत ही शानदार पेच काटा बहुत शानदार पेच काटा राका मजा आ गया मोहम्मद जा रहे हैं क्रीज में आगे ही क्रीज टॉस जीता है और नीचे ही क्रीज लिए मोहम्मद जब आप कहिएगा तब हम करवाएंगे जब लगे कि गौरव हो गए सेमीफाइनल का पहला पेज लड़ने जा रहा है सेमीफाइनल का पहला मैच लड़ने जा रहा है माशाल्लाह से हवा भी देखिए हां हवा बहुत बढ़िया आ गई शानदार आ गई और एक तरफ है नजीराबाद एक तरफ है A1 कार्ड ओल्ड लेवन का पहला पेज लड़ने जा रहा है अच्छा अच्छा आइए आइए और ये भी टीम अच्छी है नजीराबाद भी जो लड़ने नजीराबाद अच्छी टीम के साथ साथ नसीब बड़ा अच्छा लेके आई है सुनने में ऐसा आया कि 1-4 काटने थे तो चारों काट दिए उस बंदे ने और आज भी जो काटने थे पेज आलाल का भी उसी लड़के ने काटा उससे पहले 3 काटने थे जी जी। जो हमको पता चला यहाँ पर लड़के ने क्या नाम अच्छा अच्छा साकिब साकिब नाम है साकिब के 3 पेज काटे अच्छा अच्छा बहुत ही बढ़िया पेज लड़ा रहे साकिब और उधर आलमबाग का और अब ये तंजीर लड़ाने जा रहे हैं देखिए ऊपर से तंजीर लड़ाने जा रहे हैं नजीराबाद की तरफ से बताइए सिमी भाई ये आलमबाग का गेम फंस गया राका ने फंसा लिया राका ने फंसा लिया भाई 3-0 का स्कोर था जो कि अब 2-3 का हो गया है जी जी दो पेच काट दिए राका ने राका ने काट दिया हाँ इस पेच के बाद आलाल का अगर हुआ तो फिर मामला जो है राका की तरफ ज्यादा चला जाएगा लेकिन हमें उम्मीद है कि आलमबाग जीतेगा क्योंकि बड़े अच्छे गेम काट के वो भी आया जी जी और राका ने भी बहुत अच्छी टीम काटी है आलोक को काटा था सुनने में आया था बहुत बढ़िया टीम भाई ने 1-4 आर काटे हैं टॉप में एक पतंग के चार चाहे बढ़िया ठंडी ठंडी और फ्रेंड देखिए पेज चलाता तनसीर भाई पेज में पेज सही हो गया तनसीर का ये देखिए हवा बहुत शानदार जी लौटता हुआ नीचे से मोहम्मद बढ़िया तेज खींचते हैं मोहम्मद ये देखिए भाई पतंग को चमका रहे काफी पतंग भी अच्छी बनाते हैं पतंग भी अच्छी लड़ाते हैं ये देखिए भाई देखिए तनसीर ने गद्दा रखा है अपना वापसी किया
बंदा की तब लेके चले। ये देखिए फ्रेंड और मोहम्मद लगातार जगह लेते हैं, वेंडिया की मोहम्मद लगातार जगह ले रहे हैं, मोहम्मद लगातार जगह लेते हुए कमर की तरफ आते हुए तनसीर कमर की तरफ आते हुए और वापसी का पेज लड़ेगा। देखिए फिर कमर की तरफ रखते हुए, ये देखिए फ्रेंड मोहम्मद खींच के रखा, चढ़ावा मुड्डा दे रहे हैं। देखिए तनसीर ने बनाया और मोहम्मद ने थपथपाया है और बढ़िया पेज, मोहम्मद ने शानदार पेज काट दिया फ्रेंड। तो ओल्ड लेवन ने एक पेज अपना पूरा कर लिया सेमीफाइनल। नजीराबाद का दूसरा पेज लौटा हुआ फ्रेंड, तनसीर कट गए, साकिब आ गए हैं पेज में दूसरा पेज लेके ऊपर से सीरीज में पतंग को चला रहे हैं। ये देखिए रेडी हैं, पेज सही हो गया फ्रेंड। देखिए तेज हाथ से अंदर जंगा लेते हुए मोहम्मद, ये देखिए सेमीफाइनल लड़ रहा फ्रेंड। ये देखिए सेमीफाइनल का दूसरा पेज, देखिए पतंग को चमकाया अंदर ही तब रोके में बल दिए और पतंग को चमकाया। देखिए चढ़ावा मुड्ढा दे रहे हैं चमका के और देखिए गद्दा रखा है साकिब ने, गद्दा रखा लेकिन अब बलों पे दिए। देखिए गद्दा लेके चले, देखिए मोहम्मद ने गद्दा बनाया बाहर गया और देखिए और बढ़िया पेच, शानदार पेच काट दिया है साकिब ने। एक एक पेच बराबर हो गया, बढ़िया पेच काटा साकिब ने। मोहम्मद ने एक पेच काटा था, दूसरा पेच मोहम्मद ने काट गया और देखिए राका पेच लड़ाने जा रहे हैं अपना तीसरा लास्ट पेच है और उधर के दो पेच हैं सोनू का और समीर का। अंधेरा होने लगा है और पेच अभी लड़ रहे हैं। ये देखे हुए राका आ गए फिर से अपनी जैकेट उतार रहे हैं तीसरे पेच के लिए राका, देखिए और क्रीस लगा रहे हैं राका। पेच सही, देखिए नीचे ऊपर समीर नीचे से राका, ये देखिए ये देखिए राका दो पेच काट चुके हैं अपनी इस पतंग से, तीसरा पेच लड़ा रहे हैं। ये देखिए बढ़िया पेच लड़ा रहे हैं राका, ये पेच को टेढ़ा करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए देखिए समीर ने अंदर की तरफ गद्दा उतारा है, ये देखिए ये पेच ही लड़ता हुआ बहुत, देखिए समीर अंदर की तरफ चलते हुए राका भी बाहर की तरफ अपना पतंग लेके जाते हुए। देखिए लड़ता देखिए समीर भी कोशिश कर रहे पेज लड़ाने की, राका बाहर की तरफ रखे देखिए राका तेज हाथ से अंदर आते हैं। सेमीफाइनल का पेज लड़ता है, पेज कैंसिल नहीं होगा फैन, ये देखिए लेकिन राका ने दिखाया है, लेकिन राका ने दिखाया चढ़ाव मुड्ढा। देखिए राका ने डोर फेंकी, लेकिन राका तेज हाथ से अंदर आए रुके हैं फिर अंदर की तरफ फिर अंदर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड पेज काफ़ी छोटा हो चुका है और ये पेज कैंसिल नहीं होगा, ये देखिए सभी भी लगातार पेज लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पेज कैंसिल फ्रेंड। देखिए पेज फिर से सही होगा, पेज सही, ये देखिए पेज फिर से सही, ये देखिए है देखिए पेज ही लौटा हुआ राका लगातार अंदर की तरफ जगह लिए हुए और
सेमीफाइनल का ये पेच है। ये देखें सेमीफाइनल के लिए पेच है, जो जीतेगा सेमीफाइनल लड़ाएगा। ये देखें फ्रेंड, ये देखें फ्रेंड, रैका ने दौड़ाया। बहुत क्लासिकल पेच लड़ा नहीं रखा, अभी इससे पहले ही बहुत अच्छा पेच काटा था रैका ने। छाती जा रही है, ये देखो देखिए समीर ने गद्दा बनाया, ओ बढ़िया पेच राका ने जगह से खींच दिया पेंट, बहुत शानदार पेच राका, और राका बहुत बढ़िया, देखिए राका ने बहुत बढ़िया पेच काटा है। ये देखिए बहुत खुश है राका ने, बहुत बढ़िया ये पेच काट दिया है। अब राका भाई एक काटना है आपको, काटना भी है। ये लाल का पेच है आपका। कौन आ रहे हैं क्रीज में, जैसान क्रीज में आ रहे हैं और साथ में मोहम्मद, एक एक पेच बराबर है। सेमीफाइनल पेच लड़ रहा है इनका, ये देखिए सेमीफाइनल राउंड लड़ता हुआ। नहीं कटेगा बालो काट देगा, काट देगा, कॉन्फिडेंस है आपको 100% पेज बालो काट के। देखिए बता रहे फराज भाई के पेज है काट देंगे इरफान भाई बालो, ये देखिए लड़ता हुआ नजीराबाद और रोड लेवन का, ये दूसरा पेज लड़ता हुआ। अंधेरा हो चुका है, देखिए पेज ही लड़ रहा है, देखिए पेज सही, देखिए सही है। इरफान अभी चढ़ के रखे हैं, इरफान भालू और बाहर की तरफ चले। फ्रेंड देखिए काइट फाइटिंग यहीं पे बंद होती है और जो बाकी के पेच हैं वो कल लड़ेंगे। और फ्रेंड देखिए अंधेरा हो चुका है मैदान के अंदर, अभी भी सारी पूरी पब्लिक है ये देखिए, और सब वापसी कर रहे हैं। तो फ्रेंड जो पेच है वो कल लड़ेंगे, कल फाइनल भी हो जाएगा इस मैच का।